मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहली गांव में मंगलवार की देर रात हथियारबंद अपराधियों ने मुखिया सह लोजपा के उपाध्यक्ष राम तपस्या सिंह और फागू सिंह के ऊपर फायरिंग की। हालांकि मुखिया बाल बाल बच गए। अपराधी बाइक पर करीब 3 की संख्या में थे। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से भाग निकलने में सफल हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों को चिन्हित करने में लगी हुई है। घटना रात करीब 9 बजे के आसपास की है। मौके से करीब पिस्टल का 6 खोखा भी मिला है। बताया जा रहा है कि मोहली गांव निवासी मुखिया राम तपस्या सिंह उर्फ फागू सिंह रात्रि पहर गांव के करीब यहां से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही घर में प्रवेश करने ही वाले थे, उसी दौरान बाइक पर सवार 3 बदमाश आ धमके मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मुखिया ने किसी तरह घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना मुफस्सिल थाना इंस्पेक्टर को दिया। तत्पश्चात मामले की गंभीरता को देखते हुए मुखिया संघ के द्वारा भोजपुर पुलिस कप्तान हरकिशोर राय को सुरक्षा के लिए एक ज्ञापन भी दिया गया है। वहीं बता रहे मुखिया आगामी 8 नवंबर को उनके घर में श्राद्ध कर्म है, जिसको लेकर परिवार काफी भयभीत है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, ऐसे में श्राद्ध कर्म के दिन कुछ बड़ा घटना भी हो सकता है। बताया जाए मुखिया जी, विगत दिनों आपके ऊपर फायरिंग किया गया, अब तक कोई कार्रवाई हुआ है या नहीं, ये बताइए। ऐसे तो हमारे ऊपर दो बार हमला हुआ, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं। देखिए आज की डेट में हमारी माँ का श्राद्ध है जी, 8 तारीख को श्राद्ध है, निमंत्रण है, भीड़ भाड़ होगा, इसको लेकर कोई प्रशासन द्वारा सुरक्षा नहीं दिया गया। कल आप SP के यहाँ गए थे मिलने के लिए, आवेदन दिया है जी? SP साहब तो आवेदन दिए हैं, मिले नहीं है, भेंट नहीं हुई, SP साहब कहीं बिजी थे। आवेदन में क्या मांग? आवेदन में सुरक्षा के लिए गुहार लगाए हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि है, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, और हमारे मित्र जो मुखिया संघ के अध्यक्ष जी थे, मुखिया लोग जी थे। कोई पूर्व का विवाद है वगैरह, कुछ वजह क्या? कुछ पूर्व का विवाद तो किसी से हमको नहीं है, जैसे हम पंचायत में एक्टिव रहते हैं विकास करने में, किसी को सहयोग करने में, जैसे कोरोना आ गया, आप लोग स्वयं देखे हैं कि हम लोग कितना सही ढंग से काम किए हैं कोरोना में। कुछ नजायज तत्व हैं लोग पंचायत में, जो दारू शराब हीरोइन चरस हथियार का कारोबार करते हैं। तो क्या लगता है कि जो अवैध कुछ कारोबार करते हैं उनके द्वारा ये इस तरीके से षड्यंत्र करके आपके ऊपर गोलीबारी की? अभी तो ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन आवाज़ उठाते हैं, हो सकता है किसी को उसमें बुरा लगता हो। क्षेत्र में काफी शराब का मामला आता है और मादक पदार्थों का भी, उस पर हमेशा हम लोग आवाज उठाए हैं, ये समाज के लिए जहर है, इसको बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासन की नज़र में भी हम लोग दिए हैं, ग्रामीण जनता मोहली पंचायत से। आपके यहाँ 8 तारीख को कार्यक्रम है आपके माता जी के श्राद्ध का, ऐसे में काफी संख्या में लोग आएंगे और आप कह रहे कि आपकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है, वो तो है, तो ऐसे में तो काफी परिवार भयभीत और संकित होगा। हाँ, पूरे समाज में भयभीत है लोग, पूरा दहशत का माहौल है गांव में, ऐसा घटना कभी यहाँ दरवाजे पे चढ़ के नहीं हुआ था।